हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देव दृष्टि ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, हम भी बढ़िया है। लो जी, शुरू कर लेती हूँ अपना नया ब्लॉग। और ब्लॉग की शुरुआत करी हूँ फ्रेंड्स, सुबह अभी बज रहा है 7:30 और भव्य भी जा चुके हैं और उसके पापा भी जा चुके हैं। तो आज मैंने गई थी छोड़ने, मेरे हस्बैंड की जनरल शिफ्ट है तो वो लेके गए। तो अब मैं करती हूँ अपना घर का काम फ्रेंड्स, डेली रूटीन अपना जो काम है मेरा वो करती हूँ। सबसे पहले मैं इधर देखिए सारा ऐसे फैला हुआ है, इसको समेटती हूँ, मच्छरदानी तह लगाती हूँ, कंबल वगैरह, फिर ये चादर वगैरह झाड़ दूँगी और इसको अच्छे से बिछाऊँगी और उसके बाद देखती हूँ और क्या काम करूँ। चलिए फ्रेंड्स, चादर वगैरह झाड़ दिया मैंने और सब कुछ तह लगा के रख दिया है, अब करते हैं दूसरा काम। फ्रेंड्स, हो गया मेरा नाश्ता वगैरह, बन चुका है, सब कुछ हो गया है और सिंक के बर्तन भी सब साफ हो गए हैं, बस एक वो रह गया तवा, वो धो दूँगी। बाकी इधर सब साफ़ कर दिया है, गैस वगैरह मैंने साफ़ कर दी है, देखिए आप। और अब चलती हूँ मैं ऊपर छत में, बोलिए। चलिए अब चलते हैं छत में, देखते हैं छत में क्या करना है मुझे भी, मुझे काम तो मेरे पास बहुत है, देखते हैं क्या करें। धूप भी बहुत तेज हो गई है फ्रेंड्स, जबकि अभी 7:30 हो रहा है। और आज मैं सोच रही हूँ कि मेरे गमले कितने ख़राब हो रहे हैं, आप देख ऐसे हो गए और इसमें ना ऐसे काई सी लग गई है ये, तो इनको मैं ना आज साफ़ करती हूँ और इसमें से घास वास निकाल देती हूँ ताकि पौधे फिर अच्छे से हो जाएं। और जो एक्स्ट्रा पौधे हैं, एक से ज़्यादा तो दो या तीन लगे हुए, उनको सारा निकाल दूँगी, देखिए। और इधर भी दिखाती हूँ मैं आपको फ्रेंड्स, इस तरफ भी यही हाल है और धूप के ये हाल हैं, ये देखिए। इधर भी देखिए तुलसा जी लगी हुई हैं, उनके साथ फिर एक्स्ट्रा भी लगे हुए हैं। और ये जो सूखे हैं इनको निकाल दूँगी और जो हरे हैं उनको रखूँगी। ये देखिए इसमें घास कितनी उग रही है, टाइम नहीं लग पाता है मेरे को, कभी कभी जब टाइम लगता है तो मैं ये काम भी करती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए इसमें कितना जंगल सा हो रहा है, तो ये सब साफ़ करूँगी फ्रेंड्स आज मैं। आज का काम मेरा यही है पहले, और उसके बाद फिर और काम करूँगी, क्योंकि रोज़ रोज़ पौधों में पानी डालती हूँ तो वो जो उसमें काई सी लगी हुई है ना, पपड़ी सी लगी हुई है, वो नीचे पानी को जाने नहीं देती और पौधे ग्रो भी नहीं कर पाते, और जो एक्स्ट्रा पौधे हैं वो सब मतलब उसको ले लेते हैं। चलिए और आज दिखाती हूँ आपको हमारी लौकी कितनी बड़ी दिख रही होगी फ्रेंड्स आपको, इतनी बड़ी हो गई है लौकी, पर इसका पेड़ सूख गया है बिल्कुल ऐसे, पता नहीं अब दूसरी कोई होगी या नहीं होगी इसमें, मुझे तो नहीं लग रहा कि होगी, क्योंकि इधर भी आपको दिख रहा होगा ये भी सूख गई है, देखो छोटू सी लौकी, ये देखिए। चलिए जी, हाथ में ले लेती हूँ अपने यंत्र, ये देखिए, और इनसे करूँगी मैं इनकी सफाई। और हमारे यहाँ तो बोलते रहते हैं, गाँव में होते हैं ना फ्रेंड्स कुटाओ, और यहाँ पे ना ये होता है, ये देखो, और ये जो घास काटने वाला होता है ना वहाँ पर, यहाँ पे वो भी कुछ अलग ही टाइप का होता है। हमारे वहाँ तो दातुल होता है, दराती, दातुल जो भी बोलो उसको, और बट इधर पता नहीं क्या होता है, अलग सा ही होता है, वो घुमा हुआ नहीं होता, दराती तो ऐसे घूमी हुई होती है, वो नहीं होता घुमा हुआ। और ये कुदाल की जगह इसको बोलते हैं खुरपी, ये है इनकी खुरपी, एक इस टाइप की होती है, एक इससे पतली होती है थोड़ा। चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू करती हूँ मैं अपना काम। बहुत सारे हो रहे, साइड साइड के छोड़ दे, पहले तो हमारे घर में इतने अच्छे हैं कि क्या बताएं, मैंने वीडियो स्टार्ट नहीं की थी। इसी नीचे नहीं जाता ना पानी, और घास घास सारा वही ले लेती है। तो एक तो मेरे हस्बैंड की आदत है कि गमलों में साग सब्जी लगा देते हैं, होती नहीं है, अभी इसमें तोरी लग रही है, तो दिख रही और भी लगी है छोटी छोटी, तो भी लगी है।
होती तो है नहीं, ये सूख जाती है। चलिए पैसे बर्बाद में इसको बना बेचारी का क्या है। देख हटाएंगे ना दे रहे इसे समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। गिलहरी ने बनाया था अब वो तो आती नहीं, फिर हटाना ही पड़ेगा इसे, उधर फेंक दिए इसको ना। दादी बुला रही है मैंने, अरे दादी की चलिए फ्रेंड्स थोड़े बहुत तो मेरे गमले साफ हो गए, थोड़े अभी थोड़ी देर में करती हूँ क्योंकि मम्मी बुला रही है नीचे नाश्ता करने के लिए। पहले नाश्ता करती हूँ फिर इस काम को फिर से कंटिन्यू करूँगी। अब ये देखो हाथ कैसे हो गए। चलिए फिर यहाँ झाड़ू वाड़ू भी लगाए। अब नाश्ता कर लेते हैं हम लोग, हाथ वगैरह धो लिया मैंने। और भिंडी की रोटी भिंडी की रोटी फ्रेंड्स भिंडी की सब्जी, चाय और चटनी। देखा मम्मी ने सही बोला, आज हमने बनाया, कैप्शन में भी यही डालूंगी, आज हमने बनाया भिंडी की रोटी और आटे की सब्जी। चलिए अब नाश्ता कर लेते हैं। पहले नाश्ता हो गया हमारा और बर्तन अभी बर्तन धोने हैं, तो पहले मैं फ्रेंड्स वो गमलों का काम पूरा करके आऊँगी, उसके बाद धोऊंगी बर्तन। तो मैं अब चलती हूँ फ्रेंड्स ऊपर, ऊपर जा करके पहले गमलों का ही काम कंटिन्यू करती हूँ और उसके बाद करूँगी मैं बर्तनों की धुलाई। फ्रेंड इस तरफ का तो साफ हो गया है अच्छे से, मैंने झाड़ू वाड़ू लगा दिया है और गमले भी इतने अच्छे हो रहे हैं, नमी भी हो रही है तो आज धूप में इनको कोई नुकसान भी नहीं होगा। और शाम को पानी डालूंगी मैं। देखिए अब मुझे सफाई करनी है इस तरफ की फ्रेंड्स, इधर झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे। ठीक फ्रेंड्स अब अपने काम को आगे बढ़ाती हूँ मैं, अब फटाफट सफाई करती हूँ इन गमलों की, उसके बाद लगाएंगे झाड़ू। फ्रेंड्स सफाई भी हो गई है मेरी, देखिए गमले भी एकदम बढ़िया हो गए हैं, सब मैंने साफ कर दिए हैं, घास वास निकाल दिए देख सकते हैं आप, और सारा छत भी क्लीन कर दिया फ्रेंड्स, सब साफ हो चुका है। और अब मेरा टाइम है कपड़े धोने का, कपड़े धोती हूँ फ्रेंड्स, हाथ वगैरह गंदे हो रहे हैं, पसीना भी हो गया है और धूप आपको दिखी रही होगी मेरे पीछे से, देखिए कितनी तेज धूप हो रही है, अब धूप बढ़ने लग गई है, अभी 9 भी नहीं बजे। चलिए अब चलते हैं अंदर। चलिए फ्रेंड्स गमलों की सफाई भी कर दी है मैंने और अब कपड़े भी धो दिए हैं, तो इस ब्लॉग को फ्रेंड्स मैं यहीं पे एंड करती हूँ, तब तक के लिए बाय। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।